Okay, very good evening, class. Welcome back. I think all is well. काफी मशक्कत के बाद मैं कह पा रहा हूँ कि all is well. But before that, do let me know by writing in the comment box. Okay, all is well. Let's begin the session. सेशन की शुरुआत करते हैं हम. और कल टेक्निकल ग्लिच की वजह से I could not meet my class. That was really painful for me when a teacher gets mentally prepare for class and ultimately he doesn't get his class to meet. So it is really very painful. So let's begin the session. Here is your first question, an easy one. Kya hai aapke paas? You have The Comedy of Humors refers to a type of comic drama written by Ben Jonson. अब आपको ये पता हो गया कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए किसे आप जानते हैं. Who is known for writing comedy of errors? You better know that. किसे आप जानते हैं? Ben Jonson को जानते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. What does humor means? Humor का क्या मतलब होता है? As per this, इनके according, तो humor का क्या मतलब है? आपको बताना है. You have option. Your options are before you. Laughter, some dominating individual passion or propensity, melancholy, error of judgment. आपको बताना है. So, यहां पर आप बता रहे हैं, देखो ये कौन बता दिया, एरर ऑफ जजमेंट. ये देखो एरर ऑफ जजमेंट, ह्यूमर का मतलब एरर ऑफ जजमेंट. हद है यार, तुम लोग तो सत्यानाश कर दोगे. अरे भाई, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है बेन जॉनसन ने डेवलप किया. क्या हमारे अंदर फ्लूड पाए जाते हैं? ब्लड, कोलर, फ्लेम, मेलेंकली, वो चारों का जो मिक्सर होता है, जो चारों का मिक्सचर होता है, वो डिसाइड करता है व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर वी आर गोइंग टू हैव इन आवर लाइफ. इफ वी हैव ब्लड, देन वी विल बी एंथुजियास्टिक एंड होपफुल. इफ वी हैव ब्लैक बाइल, इफ कॉलर, देन वी विल ऑफन बी वेरी, जिसको आप कहते हैं, इम्पल्सिव हो जाएगा आदमी. और फ्लेम है तो वो कूल माइंड का रहेगा. तो ये जो है चार लिक्विड्स जो होते हैं उनका जो मिश्रण होता है हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करता है. एंड ब्लड, फ्लेम, कॉलर, मेलेंकली, ये आप जानते हैं कौन कौन सा है. ब्लड, फ्लेम, कॉलर एंड मेलेंकली, ये होता है. कभी ये चारों का नाम भी याद कर लेना. एंड इट इज व्हाट, सम डोमिनेटिंग इंडिविजुअल पैशन और प्रोपेंसिटी. दिस इज द राइट आंसर. और एरर ऑफ जजमेंट किसने कहा? ये तो अरिस्टोटल वाला कॉन्सेप्ट है. व्हाट यू से, हमारसिया, राइट? दरअसल हमारसिया क्या होता है? द फॉल ऑफ द हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी टेक्स प्लेस ड्यू टू सम हमारसिया. दैट इज एन एरर ऑफ जजमेंट और मिस कैलकुलेशन. व्हाट यू से, उस वो कोई गलती करता है, उसकी वजह से उसका फॉल होता है. ये तो अरिस्टोटल ने बताया था. तो ये कहानी में कहां आ गया? The comedy of, अच्छा, what does not humor mean here? अच्छा सर, sorry. देखिए एक मिनट, शायद मैंने ये not नहीं देखा. देखो सही बात, किसी ने मेरा ध्यान यहाँ पर आकर्षित किया. थैंक यू वेरी मच. अभी तो यहाँ पहले ही बार में गलती हो जाती. दरअसल ठीक है, ये क्या है, ये तो हमारशिया है. अब यहाँ पर मैं ये not है ना, मतलब humor का मतलब क्या नहीं हो सकता है, ये पूछा है. माई अपोलोजीज फॉर द मिस्टेक. ये जो है हमारशिया है, और हमारशिया ये अरिस्टोटल का देन है, मतलब एरर ऑफ जजमेंट. तो आपका आंसर इनफैक्ट डी होगा ना. फिर ह्यूमर का मतलब तो लाफ्टर भी होता है. तो इसमें पूछा कि क्या नहीं हो सकता है मतलब इसमें से. लेकिन जो बेन जॉनसन ने दिया है, बेन जॉनसन का मतलब लाफ्टर और मेलेंकली से नहीं है. बेन जॉनसन का मतलब एक डोमिनेटिंग इंडिविजुअल डिस्पोजिशन से है. दैट डिसाइड्स और डिटरमिन्स आर कैरेक्टर, अ ह्यूमन बींग्स कैरेक्टर. तो ये इसमें पूछा गया नॉट. सही बात है, मैंने नॉट नहीं ध्यान दिया था. माई अपोलोजीज फॉर दैट. ठीक है विद्वानों, ठीक है. अब चेक कर लिए भाई, तुम लोग बार बार क्यों लिख रहे हो.
ठीक है, कोई बात नहीं. नॉट पूछा है तो आप आई टेक बैक व्हाट आई सेड. एन आर्टिस्टिक अटेम्प्ट टू ब्रिज टू ब्रिंग टूगेदर रियलिटी एंड इमेजिनेशन इज कॉल्ड. तो ठीक है, एन आर्टिस्टिक अटेम्प्ट टू ब्रिज टूगेदर रियलिटी, वो भी सही है. तो एक आर्टिस्टिक अटेम्प्ट किया गया है टू ब्रिज, जोड़ने के लिए टूगेदर साथ रियलिटी और इमेजिनेशन को एक साथ जोड़ने के लिए. उस अटेम्प्ट को क्या कहा जाता है? एक्सप्रेशनिज्म, इंप्रेशनिज्म, सरियलिज्म एंड रियलिज्म. तो उसे क्या कहते हैं? अब एक्सप्रेशनिज्म की बात करें तो यू माइट हैव हर्ड बेनेडिक्ट क्रोची का नाम आपने सुना होगा. व्हाट डू से इन हिंदी? क्रोची का अभिव्यंजनावाद. हिंदी में अगर आपने पाश्चात्य दर्शन पढ़ा होगा जब एमए कर रहे होंगे तब उसमें आपने पढ़ा होगा एक्सप्रेशनिज्म. इनफैक्ट टू प्लेस इन आप कह सकते हैं कि जर्मनी एंड इट वॉज अगेंस्ट रियलिज्म, राइट? इट ट्राइड टू शो हाउ द वर्ल्ड अपीयर टू अ ट्रबल्ड माइंड. इंप्रेशनिज्म इज समथिंग दैट फोकसेस आर दैट थ्रोज अटेंशन ऑन द ऑन अ कैरेक्टर्स मेंटल फीलिंग्स एंड इमोशंस. Surrealism is something what you know that actually tries to express the workings of unconscious mind and tries to connect them with conscious mind. And realism is, you know, jitne bhi Pickering's novel aaye hain, to aapke paas answer kya hai? Your answer is surrealism is the right answer. Surrealism actually started in France and it was derived आउट ऑफ डाडाइज्म. और इसमें यह किया गया कि हाउ द वर्किंग्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड कैन अफेक्ट एवरीथिंग वट इज रनिंग इन माइंड वंस यू स्टार्ट राइटिंग. एंड इधर की चीज उधर जोड़ देना, लूज सिंटैक्स, नो ग्रामेटिकल, मतलब कभी पास्ट में लिखा जा रहा है, कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में, कोई सीक्वेंस नहीं है. यू डोंट फाइंड. एंड एंड्री ब्रेटन का नाम आप सुने होंगे, तो जो मैनिफेस्टो ऑन सरियलिज्म जो था 1924 में आता है तो उसमें बहुत सारे नाम है. तो सरियलिज्म इज द राइट आंसर. एक्सप्रेशनिज्म वॉज जस्ट अगेंस्ट रियलिज्म एंड इट फ्लरिश्ड इन जर्मनी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप कह सकते हैं 1920s में. और इंप्रेशनिज्म ऑल्सो फोकसेज ऑन अ कैरेक्टर्स मेंटल फीलिंग्स and emotions, how he's during that time, during this in that very moment he walks. So ye ho gaya realism, you know that. To ye jo hai surrealism hai, theek hai. Moving to the next one, let me move ahead. Which of the following is not an attribute of the Enlightenment? Enlightenment एक era प्रबोधन युग था. They focused on rationality, right? इनका मानना था कि God does not intervene in anything. तो ये इसमें कांट वगैरह का नाम आप देखते होंगे. कांट का जो क्रिटिक ऑफ जजमेंट वगैरह है, और भी बहुत सारे नाम हैं. रेशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, फ्रीडम फ्रॉम सुपरस्टिशंस, सेंटिमेंटलिज्म. उनका मानना था कि जो एंटिटी है, मतलब वो एक सीधी सी लाइन में अगर आप कहना चाहिए, डथ गॉड एग्जिस्ट? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ गॉड यू हैव इन योर माइंड. यू मे हैव अ फिलोसॉफिकल गॉड एंड यू मे हैव गॉड फ्रॉम जिहादीज एंड यू मे हैव एन अदर गॉड, गॉड that is actually known in Nirguna Bhakti Shakha in Indian Bhakti Kal. तो वो अलग अलग चीजें हैं. तो प्रबोधन युग इसको हिंदी में कहते हैं. तो इसमें rationalism पे focus किया गया था, scientific temperament पे बात की गई थी, freedom from superstition. superstition का मतलब वही अंधविश्वास. अंधविश्वास का मतलब ये है कि मतलब किसी ने कह दिया कि मतलब प्याज नहीं खाना चाहिए, किसी बाबा ने कह दिया और आपने मान लिया क्योंकि बाबा जी ने कहा है प्याज नहीं खाना चाहिए,
और बाबा जी ने ये कह दिया कि 7 दिन क्या कहते हैं पीपल के पत्ते पे ये लिख करके ये करो तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीज साइंटिफिक तो ये है नहीं ना। और इंसान इतना मतलब ह्यूमन बीइंग जो है इतना डिस्टर्ब है, वो अपनी परेशानी का एक सोल्यूशन ढूंढता है और सोल्यूशन उसे जब लॉजिकल नहीं मिल पाता तो वो इलॉजिकली सर्च करने लगता है, और जब वो इलॉजिकली सर्च करेगा तो पर्ची कटवाएगा। जब आप पर्ची कटवाने लगे, कितने भी परेशान रहो, पढ़े लिखे हो तो पर्ची मत कटवाना, जब आप पर्ची कटवाने लगे तो जान लेना यू आर बिकमिंग इलॉजिकल, यू आर जस्ट डिनाइंग द बिग बैंग थियरी। हमारी एक लिमिट है, हम जब कोई काम नहीं कर पाते, बी नेम आर इग्नोरेंस गॉड, डोंट नेम दी गॉड, एग्जिस्ट करता है इसमें कोई शक नहीं है, वो इतना एनिग्मेटिक है कि हम आप जैसे लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सेंटिमेंटलिज्म इज द राइट आंसर, गॉट इट, सेंटिमेंटलिज्म इज द राइट आंसर। आगे की बात करें, ऑन मर्डर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, ये जो है ये किसने लिखा है, ऑन मर्डर कंसीडर्ड वन ऑफ द फाइन आर्ट्स बाय रॉबर्ट मॉरिसन, थॉमस डी क्विंसी, अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर ड्यूमा। अलेक्जेंडर ड्यूमा का एक नॉवल है, पढ़िएगा, थ्री मस्केटियर्स, 3 तिलंगे, उसका हिंदी, दरअसल जब मैं बीए करने आया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर किनारे किनारे रोड के किनारे बड़ी किताबें लगती थी, तो मैं ठहरा उस टाइप का क्यूरियस स्टूडेंट हुआ करता था, तो वो जो सस्ती किताबें मिलता था 10 रुपये में 20 रुपये में ऐसे मिल जाती थी, तो मैं ज़्यादातर किताबें ले लेता था। अब मुझे तो पता नहीं था अलेक्जेंडर ड्यूमा का क्या है, उस ज़माने में मैंने पढ़ी, तब भूल भी गया था, बाद में पढ़ा, थोड़ा एडवेंचर नॉवेल है, और उसका हिंदी में लिखा था 3 तिलंगे, और वो बुक अभी भी मेरे पास है, समझ लो, ठीक है। और आई विल शो यू इफ आई कैन गेट फ्रॉम माई रैक, नॉट एबल टू फाइंड, राइट। तो अभी हाल ही में कहीं थी, मैंने देखा था, तो अभी तो दिख नहीं रही है, नहीं तो आपको दिखाता मैं, ठीक है, ये दिख गई, ये जो नॉवेल, ये जो किताब है उस ज़माने में मैंने पाई थी, ये किताब जो है ये मनोज पॉकेट बुक से, ये 3 तिलंगे, उसका हिंदी रूपांतर मैंने पढ़ा था, और तब उत्सुकता बस पढ़ लिया था, और उसके बाद मैंने कभी पढ़ी नहीं फिर। तो ये थॉमस डी क्विंसी इज द राइट आंसर, दिस इज, ये जो थॉमस डी क्विंसी साहब है, इन्होंने डिफाइन किया था लिटरेचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लिटरेचर ऑफ नॉलेज वाला जो कॉन्सेप्ट था, दो प्रकार के लिटरेचर को डिफाइन, इन्होंने लिटरेचर को डिफाइन किया था, ठीक है, लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे की बात करें हम, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ऑपरेशन साइलॉक, दिस इज अ बुक, अ कन्फेशन, जिसमें ऑपरेशन साइलॉक, साइलॉक को आप जानते हैं जितना, अच्छा साइलॉक को जितना गड़बड़ दिखाया है शेक्सपियर ने, उतना साइलॉक गड़बड़ होना नहीं चाहिए, और साइलॉक इज मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, इतना बड़ा पाप नहीं किया जितना उसे दिखा दिया गया, वो तो शेक्सपियर की एक साजिश थी, ही वॉन्टेड टू प्रमोट क्रिश्चैनिटी एंड वॉन्टेड टू डेनिग्रेट जुडाइज्म, वो यहूदी धर्म को जो जूब्स के खिलाफ थे, और इसलिए ऐसा करना चाह रहा था, बाकी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाह रहे थे, और जब दुनिया में जहाँ जहाँ भी क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन हुआ, दैट दे फाउंड द वेरी सुटेबल पाथ टू कॉलोनाइज, उन्होंने वहाँ वहाँ शोषण किया, वो कहाँ जाएंगे, आज वो भले बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हों, लेकिन उनका फंडा यह था कि जस्ट लूट एंड मेक द पुअर पुअरर, ये कॉन्सेप्ट था, तभी वो शासन कर पाएंगे। तो ये जो साइलॉक को जितना नेगेटिव इमेज बनाया है शेक्सपियर ने, जो आप माल्टा से प्रेरित होकर उसका करेक्टर लिया है, लेकिन उतना नेगेटिव वो था नहीं, आप जब डीप में जाते हैं एनालिसिस करते हैं, देन यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम साइलॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू विल रियलाइज कि उसके डॉक्टर ने जो भी उसके साथ किया वो सही नहीं था। साइलॉक को जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ थी वो उसकी पत्नी की दी हुई अंगूठी थी, और उसकी बेटी चुरा के भाग जाती है, और भागने के बाद उसको बेच देती है, उसको बेच करके एक बंदर खरीद लेती है, ये मतलब इतना इतना बुरा नहीं था साइलॉक, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। और ये किसने लिखी है, फिलिप रॉथ ने लिखी है, दिस इज अ नॉवेल बाय फिलिप रॉथ। ये नेट वाले जरूर ध्यान देंगे, नेट वाले इसलिए कि क्योंकि ये जो जितने भी इनोवेटिव क्वेश्चन होते हैं
वो नेट में आने के चांसेस ज्यादा होते, क्योंकि जब सवाल शेक्सपियर से रहे, जब सवाल वर्डसवर्थ से रहे, जो जितने भी ऑल द सीट राइटर्स जितने हैं, अगर उनसे सवाल है तो कहीं भी पूछा जा सकता है। यू कैन नॉट से कि सर दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, नथिंग इज आउट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि सर थॉमस कार्लाइल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थॉमस हार्डी के नॉवेल उन्होंने डेडिकेट किया है ना उसको, तो पूछा जा सकता है ना कि कौन सी नॉवेल थॉमस हार्डी ने डेडिकेट करी है इनको, या उनके किस कॉन्सेप्ट को उन्होंने लिया है। अब जर्मी बेंथम आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, जॉन स्टुअर्ट मिल आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। तो आप इन चीजों से बच नहीं सकते कि बस एक पर्टिकुलर चीज को रट करके वॉल्ट पिटमैन, नथानिएल हॉथोर्न एंड जॉन अपडाइक, ये रैबिट सीरीज का नॉवेल लिखने के लिए अमेरिकन राइटर जाने जाते हैं। आइडेंटिफाई द पोएम इन विच द फॉलोइंग लाइंस अकर, द ओल्ड ऑर्डर चेंज इट यील्डिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। मतलब पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं, नए का स्थान लेती हैं, और ऐसा होना चाहिए। गॉड जो है, खुद जो है, ईश्वर खुद जो है, फुलफिल्स चेंजेस करता है हिमसेल्फ अपने तौर तरीकों में इन मेनी वेज, कई तरीके से। मतलब गॉड भी अपने रूल्स को चेंज करता है, वो इटर्नल कोई चीज नहीं है दुनिया में, इवन गॉड के अगर माना जाए, गॉड के अकॉर्डिंग। मतलब पुरानी परंपराओं को बदल देना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं कोई अच्छी कस्टम जो है वो अच्छा अच्छा करते करते इतनी बुरी ना बन जाए कि लोग समझ ना पाए कि अच्छा है कि बुरा है। और आपको पता है कि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, रेशनल नहीं होते, वो देख के काम करते हैं, वो भीड़ की तरह, कि मतलब भीड़ किधर जा रही है। मैं बता रहा हूँ आप वो इस वर्चुअल रियलिटी के ज़माने में यूट्यूब पे आप ऐसे लोग भी ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान है जिनके पास भीड़ है, ज्ञान नहीं है लेकिन भीड़ हो गई है। और भीड़ क्यों हो गई, क्योंकि एक दौर होता है आदमी के फेज का, उस दौर में कोई बंदा उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो भीड़ दैट्स क्वाइट नेचुरल की आई जाएगी। और वहां पर कोई भारत इंडिया की बात कर रहा है, कोई इंडिया भारत की बात कर रहा है, कोई जिसके मन में जो आ रहा है वही बता रहा है, विदाउट एनी राइम एंड रीजन, बिना किसी मतलब तर्क के अपनी बात को कहलवा मनवा रहे हैं कि बिकॉज आई एम लर्नेड। अनफॉर्चुनेटली अरिस्टोटल से बड़ा कोई लर्नेड नहीं था, उसने भी गलती करी, और ऐसे ऐसे लोग गलतियां कर रहे हैं कि अब क्या कहा जाए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को वो अपना ज्ञान बना दे रहे हैं। मतलब आज के ज़माने में अगर आप ज़्यादातर लोग आप में से जो देख रहे हैं लाइव हैं, मोस्टली मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा है। कोई कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल अनुच्छेद एक में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो कोई ये कह रहा है कि भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं हो सकता, क्या शब्दों का माया जाल कर रहे हो, बोथ आर सेम। ऐसा कोई फिर तो आप काइयाज़मस फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ना चाहिए, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। तो मतलब या तो कह दो कि ब्यूटी इज ट्रूथ, नहीं ट्रूथ इज ब्यूटी किड्स को, या तो आप कहो कि लिखना चाहिए किड्स को, लिखना चाहिए ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। किड्स ने ऐसा क्यों लिख दिया ब्यूटी इज ब्यूटी, उन्होंने कहा दोनों सेम है, तो दोनों में ये शब्दों का मायाजाल मत करो यार, बोथ आर सेम। और ये हमारी सरकार ने पहले भी, उसके पहले, अब वो अलग चीज है, मैं उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इन विवादों से दूर रहिए। तो ये जो है ना चेंज बदल, अब आपको कि सर इसमें तो आप खुद ही कह रहे हैं कि चेंज होना चाहिए, चेंज का मतलब ऐसी चीजें नहीं चेंज हो सकती ना। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, उनको पता था कि भविष्य में इस तरीके की दिक्कतें आएंगी। सुप्रीम कोर्ट में 2016 में भी एक पीआईएल इस तरीके की दायर हुई थी कि नाम बदला जाना चाहिए, ये 2020 में भी हुआ, लेकिन उसे तत्कालीन जो बोबड़े साहब थे उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया था कि ये कहा कि जिसको जो इच्छा हो वो कहे, क्योंकि संविधान में 900 बार इंडिया आता है और ये इंडिया अंग्रेजों के दिन नहीं है। फिर आप जब सिकंदर को पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर को पढ़ते हो, जब अलेक्जेंडर आक्रमण कर रहा था 326 के आसपास, तब भी आप पाएंगे प्रकरण में इंडिया, इंडियन, इंडस वैली, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो डोंट गेट कन्फ्यूज इन ऑल दीज थिंग्स, अपने भ्रम को कोई बड़ा आदमी बोल रहा है इसलिए सही मत मानो, किताबें पढ़ो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, अच्छी किताबें पढ़ो। अंबेडकर के बारे में आप बात करते हैं सिर्फ ताकि आपका पर्टिकुलर, अंबेडकर के बारे में बात करने से पहले आप अंबेडकर जी पे कोई एक अच्छी किताब पढ़ लीजिए। एक अच्छी किताब मैं रिकमेंड कर दे रहा हूँ, शशि थरूर ने उनकी एक मेमोर लिखी है, 2022 में ही आई थी, 23 में आई थी, आप उसको पढ़िए, और आई विल शो यू इफ आई कैन। तो आप उसको पढ़ेंगे तो वो भी अपने आप में दैट्स अ वेरी गुड बुक, मैं दिखाना चाहूँगा, दिखा रहा हूँ, आप उसको पढ़िए। आप ये शशि थरूर साहब की किताब है अंबेडकर साहब पे,
आप इसको पढ़िए, ये आपके राइटर हैं शशि थरूर साहब ने, और बड़ी आपको मजेदार बता दूं, मैंने तो अंडरलाइन कर दिया जहां जहां मुझे अच्छा लगा है, बड़ी अच्छी जानकारी दी है। मतलब इसको पढ़ लोगे तो 4000 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ऑथेंटिसिटी के साथ, प्रूफ के साथ आप पढ़ेंगे। तो दरअसल ज्यादा मामला यही है कि लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है बस। तो ओल्ड ऑर्डर चेंज इट, ये चेंज मत करना। आप सोचोगे इंडिया भारत में चेंजेस की बात कर रहा है, तो ये पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं, देश का नाम नहीं बदला जाता। लोकल इंडिया दैट इज भारत, बोथ आर सेम फॉर अस, मेरा मानना, मेरा व्यक्तिगत ये रवैया है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है। हर कंट्री का अलग अलग है। चाइना को अंग्रेज लोग, क्योंकि अंग्रेजी में चाइना लिखा जाता है इसलिए चाइना का लोकल नाम झोंगजू, क्या नाम है उसका वहां के लोग। जापान को हम लोग जापान बोलते हैं, वहां का लोकल नाम जो है निपो है, निपोन आप लिख सकते हो, निपो है। और जर्मनी में भी इस तरीके का अलग अलग देशों का रहा है, तो उसमें कोई प्राइड फील करने वाली बात नहीं है, इसमें केवल कागज खर्च होगा, देश का पैसा, आम आदमी जो टैक्स देता है उसका पैसा जाएगा। भाई नई चीजें बदलेंगी तो दिक्कत हो, हाँ लॉजिकल चीजें तो बदल देनी चाहिए। और ये तर्क देना कि ब्यूटी किट्स जाके लिखो ना, चैलेंज करो ना लिटरेरी मतलब जो सोसाइटी है कि भाई किट्स ने गलती कर दी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी ना करके कहना चाहिए ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, व्हाट बकवास। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, बोथ आर सेम थिंग यार। अंग्रेजी पढ़ो थोड़ा सा। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ एडिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज इन मेमोरियम यूलिसीज मॉर्टिडी अर्थर द लेडी ऑफ शैलेट। वैसे लेडी ऑफ शैलेट आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और ये जो है आपके प्री रेफ्लाइट जो राइटर्स थे उनको काफ़ी प्रिय थी, खासकर उन्होंने जॉन इवरेट मिले को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और ये जो है मॉर्टिडी अर्थर जो है, पासिंग ऑफ अर्थर, ये पासिंग ऑफ अर्थर नाम से पोएम हम लोगों ने इंटर में पढ़ी होगी, पासिंग ऑफ अर्थर, तो ये पोएम हम लोगों ने इंटर में इसका कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट पढ़ा था, जबकि दिस इज अ लेंथी पोएम। आगे की बात करते हैं, ठीक है। तुम यहाँ ज्ञान ना अब बताओ यार, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं आया हूँ। मुझे क्या बताना है अपने स्टूडेंट को, क्या नहीं बताना है, आई नो बेटर एंड आई डोंट नीड योर एडवाइस, राइट, बिकॉज यू डोंट डिजर्व टू बी इन माई क्लास, ठीक है। इतने ज्ञानी होते तो फिर समझ जाते ना, यही दिक्कत है, तुम लोगों को चिढ़ है उनसे क्योंकि उन्होंने सच कहा है ना। सच जानिए ना, स्वीकार करिए ना सच, ये क्लास किसकी है किसकी नहीं है, यू आर नन टू डिसाइड ना, इट इज आई हु विल डिसाइड व्हाट इज व्हाट ना डियर, प्लीज मेंटेन द डेकोरम। आगे की बात करें, द बोल्ड लवर, द बोल्ड लवर इन ओड ऑन ग्रीशियन अर्न, ये जो पोएम है ओड ऑन ग्रीशियन अर्न में, नीड नॉट ग्रीव, उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो ग्रीशियन अर्न है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट यू नो ऑन दिस अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, ये जो ग्रीशियन अर्न है, ये जो ग्रीशियन अर्न बना है, ओड ऑन ग्रीशियन अर्न, दाउ स्टिल अनरैबिस ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, ये जो पोएम है इसमें जो अर्न है, अर्न में एक बहुत ही हिम्मती प्रेमी छपा हुआ है, वो कह रहा है कि बोर्ड लवर इन ओड ऑन ग्रीशियन अर्न नीड नॉट ग्रीव, उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज ही विल समटाइम बी एबल टू किस हिज बिलवेड, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू किस बट ही इज नॉट एबल टू डू ये, ही विल समटाइम बी एबल टू एंजॉय द ब्लिस एट द सेम टाइम हिज लव एंड हर ब्यूटी हैव बिकम हिम इटर्नल, ही विल नेवर गेट ओल्ड टू रिपेंट। अब ये बता रहा है कि व्हाट इज दैट, कह रहा है बोर्ड लवर को दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो उकेरा गया है उस अर्न पर, उस कलश पर, उस एथेनियन कलश पर, हालांकि वो एग्जांपल है एक्फ्रेसिस का। अब एक्फ्रेसिस क्या होता है, मैं कई बार बताया हूंगा, नहीं बताया हूंगा तो गूगल इट, मतलब वर्ल्ड पिक्चर की बात करता है। तो ये दिस इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ एक्फ्रेसिस, और उसमें जो उकेरा गया है जिस तरीके से अर्न, जब तक ये ब्यूटी ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी का कॉन्सेप्ट यहां से आ भी गया, तो ये जो आप देख रहे हैं, जब एक्फ्रेसिस का कॉन्सेप्ट, मतलब ये अर्न इमोर्टेलिटी का सिंबल है, और उसमें छपा हुआ जो प्रेमी है, जैसे वो प्रयास कर रहा है छूने का, वो भी अमर अमृत, मतलब वो कभी बदल नहीं सकता, दैट विल रिमेन इटर्नल, वो क्या रहेगा, शाश्वत रहेगा।
तो वहां पर क्या कह रहा है, हिज लव एंड हर ब्यूटी हैव बिकम इटर्नल, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, ठीक है। आगे की बात करें, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टर्म फॉर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन के लिए क्या शब्द है अरिस्टोटल ने जो यूज किया है। आज का सेशन काफी आसान है, ऑलमोस्ट आप 28 टू 30 कर सकते हैं आउट ऑफ 30 इफ यू कैन, इफ नॉट फिर यू नीड टू हैव सम अदर प्लेटफॉर्म। हमार्शिया, माइमेसिस, एनाग्नोरिसिस, पेरिपीटिया, अब देखो अलग अलग चीजें, पेरिपेटी क्या होता है, पेरिपेटी भी कहते हैं, ऐसा मत कहना कि सर आपने पेरिपेटी क्यों बोल दिया। हमार्शिया, पेरिपीटिया और ये जो है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून है, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। एनाग्नोरिसिस व्हाट यू कॉल रिकॉग्निशन, अब तो आपको आंसर ही समझ में। माइमेसिस इमिटेशन, एंड व्हाट हमार्शिया, एरर ऑफ जजमेंट, ट्रेजिक फ्लॉ, ट्रेजिक फ्लॉ या मिस कैलकुलेशन आप कह सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, और इसमें एक और होता है जान लो, एक और कैथारसिस, तो ये क्या है, पर्गेशन और प्योरिफिकेशन। तो ट्रेजेडी का काम क्या है, ट्रेजेडी हमें क्या करता है, हमारे सोल को प्योरीफाई करता है। तो कैसे करता है, वो टीयर्स वगैरह निकाल करके। तो ये जो है किसका, एनाग्नोरिसिस का एग्जाम्पल है ये, एंड दिस इज एनाग्नोरिसिस, ठीक है, गॉट इट माई डियर। आगे की बात कर, देखो यार एक बात बता दूं, आई नीड नॉट योर ज्ञान, मुझे आप लोगों के ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई डोंट हैव टू अपीयर इन एग्जाम, आई डोंट हैव टू रन माय रेस, आई हैव ऑलरेडी रन माय रेस, एंड इफ इंटरेस्टेड देन आई विल बी रनिंग सम अदर रेस, एंड आई नीड नॉट मेंटोर लाइक यू, राइट, आई हैव मेनी गुड मेंटोर्स, और बहुत इतने अच्छे मेंटोर हैं कि आप जीवन में उनसे मिल ही नहीं पाएंगे, मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो आपसे नहीं मिलेंगे ना। तो मेरे पास मोरल, स्पिरिचुअल और एकेडमिक तीनों अच्छे मेंटोर हैं, तो आई हैव बीन वेरी लकी इन दिस। अब ये डिसाइड मैं करता हूँ कि मेरा मेंटोर कौन बनेगा, क्योंकि मेरा मानना है आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अ मिलियो वेयर आई वॉज राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टॉट कि आई विल हैव टू बी वेरी मेटिकुलस इन चूजिंग माई मेंटोर, माई डॉक्टर एंड माई लॉयर, ठीक है। तो होता है, थोड़ा सा सीखो ना, सीखने की क्षमता रखो। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके ये नहीं बताना चाहिए कि सर ये अम्बेडकर पे क्लास नहीं है, अगर तुम्हें अम्बेडकर नहीं पसंद है, तुम्हें हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है, जिस संविधान से आपके नियम कानून चल रहे हैं, जिस संविधान से तुम पढ़ रहे हो, तुमको वो बंदा नहीं पसंद है, और प्रसंग बस, तो इट्स वेरी वेरी शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग। मतलब कोई आदमी डेमोक्रेटिक नहीं है, अगर उसके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि इस बंदे ने हमारा, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी वन, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, बिकॉज अम्बेडकर की जयकार करने, जयकारा लगाने वाले भी लोग अम्बेडकर पे किताब नहीं पढ़े। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको किताब पढ़ना चाहिए, और ये जिस महोदय ने लिखा था उनके लिए बता रहा हूँ, और तुम किताब पढ़ लोगे तो तुम्हारी वकैब कम से कम 1200 से 1500 वकैब तुम्हारी इम्प्रूव हो जाएगी, जिस किताब को मैंने रिकमेंड किया। हाँ, थोड़ी महंगी है, 600-700 है, ठीक है, तो 1200 से 1500 सब, लेकिन वो क्या है ना, तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, बिकॉज यू डोंट डिजर्व। आगे की बात करते हैं, आगे, यस चित्रसेन, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, इफ इट इज अ कॉम्प्लीमेंट, राइट। आगे की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज विदाउट द अपीयरेंस ऑफ गोस्ट, 5 प्ले में गोस्ट आता है, कोई बता सकता है 5 का नाम विदाउट गूगलिंग? अब हिम्मत करें सर, गूगलिंग तो कोई वर्ड नहीं होता, ये तुम्हारी नज़र में नहीं होता ना, मेरी नज़र में होता है, जो कोई वर्ड बोला करूँ जान लो वो होता ही है। हाँ, एक बड़े टीचर का नाम ले रहा हूँ, वो हमारे एक सीनियर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एडजेक्टिव के रूप में कुछ लिख दिया था इनसाइट का, तो उन्होंने कहा इनसाइटफुल होता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, होता तो है इनसाइटफुल, तो क्या नहीं, ऐसा तो होता नहीं। अरे भाई, जो जरूर थोड़ी है जो आपने पढ़ा हो, आपने एक किताब पढ़ी होगी, यहाँ पढ़ने वाले जो नर्ड हैं, जो बुकवर्म हैं, वो बहुत सारी किताबें पढ़ डाले हैं। भाई अरिस्टोटल जैसा महान टीचर भी तो गलतियाँ कर सकता है। हाँ, यहाँ तो मतलब बड़े नाम वाले लोग कहते हैं अरिस्टोटल ने 4000 से ज़्यादा किताबें लिखी, ये अलग बात है कि कुछ किताबें एक पेज की होती है, उनके पास इतना दिमाग होना चाहिए, कोई एक पेज की कभी कोई किताब नहीं हो सकती है। और दूसरी बात है कि अरिस्टोटल ने 4000 किताबें नहीं लिखी थी, वो कहीं मिसप्रिंट रहा होगा, वो आपने पढ़ लिया। अरिस्टोटल ने मात्र लगभग ऐसा माना जाता है 400 किताबें लिखी थी,
14 जो है उसमें हमें पता है। तो यहां पर क्या है, जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब मर्चेंट ऑफ वेनिस में भूत तो अगर आप देखें तो कोई आता नहीं, अब जूलियस सीजर में आता है, हैमलेट में आता है, रोमियो एंड जूलियट और रिचर्ड थर्ड में भी आता है ना, तो पांच प्ले कौन है अगर आप देखें, मर्चेंट ऑफ वेनिस आपका सही हो गया, रोमियो एंड जूलियट में भी आता है और रिचर्ड थर्ड में भी आता है, और किस में आता है एक भूत, वैसे तो पांच ऑथराइज्ड है, एक और जगह आता है, कौन बताएगा, वो मैंने बताया, आप लोग बताइए। इलियट टॉक्स अबाउट हिस्टोरिकल सेंस, इलियट हिस्टोरिकल सेंस की बात करते हैं, किसमें, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, मेटाफिजिकल पोइट्स, व्हाट इज अ क्लासिक, यूलिसीज, ऑर्डर एंड मिथ, किस रचना में बात करते हो, ठीक है, एंड विच, लेट मी टेल यू, आपने इनका थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, व्हाट यू माइट हैव स्टडीड इन हिंदी, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत नहीं पढ़ा, दैट इज वेरी सिमिलर टू नेगेटिव कैपेबिलिटी ऑफ जॉन कीट्स, अ पोइट शुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ बाई बींग इम्पर्सनल, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बहुत रेयर केस के कभी ही कर पाते हैं, हालांकि कीट्स खुद उससे नहीं बच पाए, ये अलग बात है जब आप डीप में पढ़ते हैं, तो फिलहाल इतना ही आप जानिए, यहां पर आपका आंसर क्या है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज द राइट आंसर। आगे की बात करेंगे, हु रोट अर्न बरियल, अर्न बरियल किसने लिखा है आपको बताना है, हु रोट अर्न बरियल, सॉरी अर्न बरियल, हाइड्रियो टेफियो ना, इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं हाइड्रियो टेफिया, ठीक है, 1658, रॉबर्ट बर्टल, थॉमस ब्राउन, जर्मी टेलर, थॉमस फुलर, एंड योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज व्हाट, सरिता कह रही है कि सर इट्स जर्मी टेलर, नो इट्स नॉट जर्मी टेलर, ऑब्वियसली इट्स नॉट रॉबर्ट बर्टल, इज सर थॉमस ब्राउन, सर थॉमस ब्राउन, ठीक है, नहीं देखिए अब ये मत कहिएगा सर थॉमस ब्राउन इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो आपके सिलेबी में है कि नहीं है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, कुछ चीज़ें क्लासिक हैं, अरिस्टोटल इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन पूछ लेगा पोएट्री इज हु जस्ट प्लेटो इज नॉट इन योर सिलेबस, अगर पूछ लेगा कि पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, हु वॉज ऑफ द व्यू, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये नहीं था, या माइमेसिस के बारे में पूछ ले गए, या अरिस्टोटल का ही कोई कॉन्सेप्ट और पूछ लेता है, देन टू मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो मेरे सिलेबस में ही नहीं था, डोंट सेव योर स्किन ना, आप ये कह के नहीं बच सकते ना। आगे की बात करते हैं, कोमस इज द गॉड ऑफ, कोमस गॉड है वाइन का, रेवलरी का, लव का, इविल का, गॉड ऑफ वाइन इनफैक्ट होता क्या है, उसे आप बैकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकस, इसी बैकस से शब्द बना है बैकिक, क्या बना है, बैकिक, बैकिक को कहते हैं सॉट, सॉट का मतलब वही बूजी, नशे में धुत, इट्स नॉट बूटी इट्स बूजी, राइट, नशे में धुत रहता है जो, उसके लिए दूसरे और भी एडजेक्टिव अगर आप करें तो एक वर्ड होता है बिब्यूलस, राइट, हालांकि फिर बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, आई एम नॉट गोइंग ऑल दैट, गॉड ऑफ वाइन इज बैकस, राइट, रेगुलरी लव, गॉड ऑफ लव यू बेटर नो, आई नीड नॉट टेल कि क्यूपिड पे आपको जाना है कि नहीं जाना है, और ये सेटन हो जाएगा इविल वाला, तो ये क्या हो गया आपका रेगुलरी, मौज मस्ती का, फेस्टिविटी वाला, एंजॉय करने वाला गॉड कोमश, ठीक है, इट्स नॉट बैकस, बैकस क्या होता है, दरअसल बैकस ही जाना जाती है, और लवर ऑफ वाइन जो होता है, लवर ऑफ वाइन को क्या बोलेंगे, एक शब्द होता है इनोफाइल, क्या होता है, इनोफाइल, या इनोफाइल का मतलब ग्रेट लवर ऑफ वाइन, ग्रेट लवर ऑफ वाइन, वाइन मतलब, अच्छा ये वाइन जो होता है ना, आई एम अ टी टॉटलर,
बिकॉज आई डोंट ड्रिंक, एटलीस्ट आई हैव नेवर ड्रंक. अभी अपने आप को ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है कि दिस थिंग्स मस्ट बी अवॉइडेड. अब लेकिन लेने वाले लोग ऐसे करोगे तो फिर ब्लैक डॉग कहोगे कि ब्लैक डॉग 2,000-2,500 की आ रही है एक लीटर, हाँ ग्लेनफिडिच 8,000 की एक लीटर आ रही है, लोग क्यों पी रहे हैं? वो विस्की है, लोग अपना अपना पीते हैं, जिसको जहाँ आनंद आता है. हर व्यक्ति आनंद की तलाश में है. किसी को भजन में, महाराज प्रेमानंद जी को भजन में आनंद, राधा राधा कहने में आनंद आता है. और मजे की बात देखो, कहने कहते कहते रोने लगती है, इतनी भक्ति में डूब जाना, ये भी एक प्रकार की भक्ति की पराकाष्ठा है. तो ऐसे ऐसे मतलब गुरु मिल जाए तो भाई, मैंने पता ना, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं. हर चीज़ का आनंद है, किसी को भक्ति में आनंद आ रहा है, किसी को वाइन में आनंद आ रहा है. अब कोई भक्ति कर रहा है, उससे मतलब भक्ति से बहुत शक्ति पा रहा है पैसे वाला, और उसके बाद वो आनंद ले रहा है, बस ये छुपा के ले रहा है. ऐसे भी हैं. तो दे आर कॉन मैन, दे मस्ट नॉट बी योर मेंटोर एंड गुरु. ठीक है, लव का आप जानते हैं मामला दूर तक है. तो कोमस इज द गॉड ऑफ रेबलरी. आगे की बात करें हम, द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन्स कोमस इज, कोमस जो है, जो मास्क है कोमस का, कोमस एक मास्क है ना मिल्टन का, तो ये इसका सब्जेक्ट क्या है? चेस्टिटी है, ट्रूथ है, ट्रू लव है, शिवेलरी है. इट इज नॉट शिवेलरी, इट्स शिवेलरी. ठीक है जी. रविशंकर कह रहे हैं टी, ये टीटो डाल रही है, टी टॉटलर पढ़ा जाता है, लिखा वही जाता है जो आपने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आगे की बात करें हम, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. 13 का ये बता रहे हैं, वेल सीनू यू आर करेक्ट. अच्छा, इसका कोई सबटाइटल टाइप का नहीं दिया है, वो जो आप लोगों ने पढ़ लिया ना, किसी डफर टाइप के आदमी ने लिख दिया, और डब्ल्यू जे लॉन्ग ने उस तरीके की अपनी किताब में ऐसा कुछ लिखा है. तो प्योर वूमन टाइप का, या इस तरह की चेस्टडी ऑफ, इस तरीके का कौन, ऐसा कोई सबटाइटल इसका था नहीं. ये कह सकते हैं आप, अगर आप कहना चाहें इसका कोई सबटाइटल नहीं, तो ध्यान रहे, एक क्वेश्चन कई बार इस तरीके से लोग पूछते हैं कि सर इसका सबटाइटल क्या है. हु टाइप द सक्सेस ट्रेडिशनली इन ही फॉर गॉड ओनली, सी फॉर गॉड इन हिम. तो ये भी आप कह सकते हैं, इजी क्वेश्चन है. डन, पोप, ड्राइडन, मिल्टन. तो दिस इज अगेन एन ईजी क्वेश्चन. आज का सवाल तो अच्छा अच्छा है ना, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ नया जरूर मिलेगा. जस्ट होल्ड योर ब्रेथ एंड हैव पेशेंस. प्रभा शंकर, हाँ, ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू, ठीक है. हाँ, उन्होंने ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू उसका सबटाइटल नहीं है, पहली बात ये जान लो. वो एक हिस्टोरियन है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिख रहे हो, जिनका नाम डब्ल्यू जे लॉन्ग, जिस किताब को ना तो मैंने कभी पढ़ी, अगर मैंने पढ़ी तो कभी रिकमेंड नहीं करी, क्योंकि मेरा मानना है कि उनसे 10 गुना अच्छी, अच्छे फैक्ट्स और अच्छी बातें उनसे आधे से ज़्यादा पतली किताब में डब्ल्यू एच हडसन ने लिख दी थी. नहीं कह रहा हूँ कि किताब खराब है, लेट मी टेल यू, कई लोगों ने उसको पढ़ा है, मैंने कभी नहीं पढ़ा. कई लोगों ने डेविड डैचेज का 4 वॉल्यूम पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ी. तो क्या आपका एग्जाम रुक जाएगा? नहीं, मैंने जो किताब पढ़ी वो मैंने बता दी. अपनी अपनी चॉइस होते हैं ना, पीपल में लाइक टैमरिंड, पीपल में लाइक मैंगो, बट मैंगो कैन नेवर गिव द टेस्ट ऑफ टैमरिंड. एट द सेम टाइम टैमरिंड, आप ये नहीं कह सकते टैमरिंड, मैंगो कैन गिव द टेस्ट ऑफ टैमरिंड, बट टैमरिंड कैन नेवर गिव द टेस्ट ऑफ मैंगो. हाउ? यू बेटर नो दैट कि इमली खट्टी हो सकती है, मैंगो भी खट्टा होता है, इमली मीठी नहीं हो सकती, उसमें वो जो खटास रहेगा रहेगा. आम तो एकदम प्योर मीठा भी हो सकता है, ठीक है. हाँ, ये मेरा अपना लॉजिक है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई हार्ड एंड फुल. ये मिल्टन का है, पैराडाइज लॉस्ट में आप देखते हैं. और हु सेड दैट डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स इन हिज लव पोएम्स इन डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर 1693 में आप कह सकते हैं. इन डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर देयर वाज अ पर्सन हु यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स. डन जो है मेटाफिजिक्स, ये वाली जो लाइन है, और यहां से डॉक्टर जॉनसन ने बारो किया मेटाफिजिकल पोइट्री या मेटाफिजिकल पोइट शब्द को. बॉय मोस्ट हेटरोजेनियस आइडियाज आर योग्ड बाय वायलेंस टुगेदर, जो आपने पढ़ा, और आप कह सकते हैं. और उसमें ये जॉनसन, मतलब बेन जॉनसन, फिर डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन और टी.एस. एलियट, हालांकि सब ने कहीं ना कहीं तारीफ ही करी थी मेटाफिजिकल पोइट्स की. मेटाफिजिकल पोइट्स वर वेरी इनोवेटिव इन द नेचर. They did not imitate anyone. They created everything that was their own and new. और जब आप अपना कुछ क्रिएट करोगे, किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा क्या कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग ट्रेडिशंस.
जब आप परंपराओं को ब्रेक करोगे, नई चीज़ें लाओगे, तो वो यूनिक होगा ही। और बाद में आकर के WB8 से लेकर के बाद में TA Sealet ने तो इतनी तारीफ ही कर दी कि मतलब डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इनका मानना था कि मिल्टन के मतलब डन के बाद ये मिल्टन और ये इनसे जब परंपरा शुरू होती है ट्राइडेंट वगैरह किसी में है, मतलब ये है ही नहीं, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो कि पोइट्री की जान है वो है ही नहीं, इस तरीके से बात की। आगे की बात करें हम, हु वॉज सेलिब्रेटेड एज द ग्रीन पोएट, किसको ग्रीन पोएट के नाम से जाना जाता है, ये भी सवाल मैंने कई बार मुझे लगता बताया। अब्राहम काउली, एंड्रयू मार्वेल, जॉन सकलिंग एंड जॉन मिल्टन, योर आंसर इज व्हाट, आपका आंसर क्या है आपको बताना है। लेट मी हैव सम, आगे की बात करते हैं। हु वॉज सेलिब्रेटेड एज द ग्रीन पोएट, अब्राहम काउली एंड एक मिल्टन के अमन्युएंसिस थे, एंड्रयू मार्वेल को आप कह सकते हैं। मिल्टन के अंधे हो जाने पर इन्होंने काफ़ी हेल्प किया था, और उनकी हालांकि उनकी बेटियों ने भी हेल्प करा, लेकिन उसमें से एक बेटी बदमाश थी, ये जो लिखते थे ना उसके मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह जला देती थी, इसलिए क्रिटिक है उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। उन्होंने मिल्टन की तुलना किंग लियर से कह दी, क्योंकि किंग लियर के पास भी 3 बेटियाँ थी, और 2 तो मतलब बहुत डेंजरस थी, गोनरेल और रीगन, और एक छोटी वाली थी वो, यहाँ भी मिल्टन के साथ भी कुछ ऐसा ही था, वो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, 3-3 शादियाँ करोगे फिर प्रॉपर्टी छोड़ोगे तो विवाद तो हो ही जाएगा। हु रोट लाइफ ऑफ मिल्टन, अब लाइफ ऑफ मिल्टन कौन किसने लिखा, अब आप आंसर तलाश कर रहे हो कि सर इसमें डॉक्टर जॉनसन नहीं है, तो लेट मी टेल यू कि ये जो डॉक्टर जॉनसन है उन्होंने लाइफ ऑफ मिल्टन नहीं लिखी है, उन्होंने 52 पोइट्स जो का एमिनेंट पोइट्स थे उनका कलेक्शन लिखा था, उसमें मिल्टन के बारे में उसमें एक चैप्टर के रूप में लिखा है, वो बहुत सारे राइटर्स उसमें 52 राइटर्स को टच करते हैं, तो अलग अलग। लेकिन लाइफ ऑफ मिल्टन नाम की बुक की बात करेंगे तो कौन लिखा, डेविड मेसन, जेम्स बॉसवेल ने तो डॉक्टर जॉनसन की ही बायोग्राफी लिखी, मैथ्यू अर्नॉल्ड, इजाक वाल्टन, तो आपको बताना है कि लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखी, बॉसवेल ने नहीं लिखा, बॉसवेल ने तो डॉक्टर जॉनसन की लिखा है, तो ये डेविड मेसन का नाम। ये किताब मैंने आपको दिखाई थी, मैं फिर से दिखा देता हूँ अगर मेरी नज़र पड़ पाए, ये किताब मैंने केवल आप लोगों को जब पढ़ा रहा था ना उस वजह से मैंने पढ़ने के लिए इसको मंगाया था, और ऑनलाइन आई थी, थोड़ी महंगी जरूर थी, बट काफ़ी फैक्ट्स मैंने आपको यहीं से दिए हैं, और फिलहाल नज़र नहीं पड़ रही, मेरी लाइब्रेरी में एक किताब है फिलहाल, उसकी टेंशन की बात नहीं है, तो मैंने एक किताब पढ़ी है, तो आप बिना कन्फ्यूजन के ए पे चले जाइए। मिल्टन रोट कोमस टू सेलिब्रेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉट एज लॉर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ वेल्स, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद कर लेना, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, काउंट ऑफ डर्वी, एडवर्ड किंग एंड हेनरी लॉस, ठीक है, हेनरी लॉस ने तो म्यूजिक दिया था ये आपको पता होना चाहिए, और लेट मी नेम फ्यू ऑफ हाँ मुझे पता है यही सही है भाई, खैर परेशान हो, किताब मेरे पास ओरिजिनल किताब है ना उसकी, बस ये है कि वक्त पे दिखी नहीं, दिखा देता आप, क्योंकि इसमें जिस रूम में मैं रहता हूँ उसमें इतनी सारी किताबें आ नहीं सकती जितना मैं चाहता हूँ, तो इसलिए नहीं दिखा पाया, नहीं तो दिखा दिया होता यार, तुम लोग टेंशन ना लिया करो, समझ रहे, नो नहीं दिखी तो क्या कर सकते, जाने दो। आगे की बात करें, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर इज द राइट आंसर, लडलो कैसल वाला आपको पता है। आगे की बात करें, मिल्टन रोट एपिटाफियम डेमोनिस, मतलब एपिटाफ ऑन डीमन, डीमन मतलब राक्षस, ये एक को उनके फ्रेंड थे उनकी डेथ पे लिखी थी, और ये किस भाषा में, इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, अब आपको ऐसे ही पता चल गया कि नाम ही लिखा है, मैक्सिमम तो आप लैटिन कह देते हो, तो ये डेथ ऑफ डीमन या एपिटाफ ऑन डीमन कह सकते हो, तो ये उनके फ्रेंड थे चार्ल्स डायोडाटी, आप नाम जानते होंगे, तो ये उन्हीं पर आधारित है, ये उन्हीं पर लिखा था, इसका मतलब होता है एपिटाफ ऑन डीमन। अब एपिटाफ क्या होता है, यू बेटर नो दैट, ऑन डीमन, जिसको आप डेमन पढ़ते हो, डीमन ना, डीमन राक्षस, तो ये जो है क्या है, और लैटिन में आई थी, दिस इज इन लैटिन, राइट। आगे की बात करते हैं हम, चार्ल्स डायोडाटी ने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करते हैं, हु रोट अ प्रिफेस टू पैराडाइज लॉस्ट, प्रिफेस टू पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा आपको बताना है, C.S. लुईस, एंड्रयू मार्वेल, जॉन मिल्टन, C.M. बोरा, आपको बताना है अ प्रिफेस टू पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेल फॉर द डे।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन आई राइट इम्पोर्टेंट इट मीन्स इट इज. हाँ एग्जाम में नहीं आएगा तो डोंट ब्लेम की सर. अच्छा ये मत कहना सर कि आप कहते हैं सर आदमी को एग्जिस्टेंस सीरीज बनना चाहिए कि एग्जाम में जो टीचर सवाल पढ़ाए अगर होना है तो उसके लिए टीचर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मैगी नाट की तरह खुद को गोली मार लेनी चाहिए. मैं इतना भी बहादुर नहीं हूँ ठीक है. हाँ मेरा काम है पढ़ाना. अगर एग्जाम में नहीं आता तो उसके जैसा आएगा वहाँ से हेल्प हो जाएगा. ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पढ़ा दूंगा वो 125 क्वेश्चन मुझे पता होता तो मैं अपने घर में जो लोग उनको दे देता ना वो जॉब करते. हाँ तरीका हो सकता है इस तरीके का तो आप परेशान मत हुआ करिए. तो यहाँ पर क्या है देखो अलग अलग नाम दे रहे हैं. मेनी पीपल आर सेइंग सीएम बोरा. मेनी पीपल आर सेइंग अच्छा ज़्यादातर लोग सीएम बोरा बोल रहे हैं. अच्छा ये तुक्के में है कि इट इज़ बाई चांस आर बाई चॉइस दैट यू ऑल हैव आंसर्ड सीएम बोरा. ठीक है सीएम बोरा एक लिटरेरी क्रिटिक जरूर हैं लेकिन यहाँ पर जो है मसला जो है ये 1942 में आता है 1942 में आया था जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था. ठीक है तो वहाँ पर सी एस लुईस का नाम आप लिखिए सीएम बोरा नहीं होगा. ठीक है तो दिस इज योर सी एस लुईस इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट. इट इज नॉट सीएम बोरा एंड नोबडी हैज आंसर सीएम बोरा. वाज एन एक्टिव फ्रेंड टू मैन ऑल हिज लाइफ एंड हैज बीन सिंस हिज डेथ. क्या बात है. किसने बात कही कि मिल्टन जो है एक एक्टिव फ्रेंड थे संपूर्ण मानव जाति के पूरे जीवन भर और मरने के बाद भी वे ऐसा ही रहे हैं. बड़ी फिलोसॉफिक लाइन आप बोल दे किसी बंदे ने. ये किसने कहा है. ठीक है मिल्टन हैज बीन वर्ड्सवर्थ कीट्स ब्लेक एंड शेली. नीलोफर इज सेम शेली एंड इनफैक्ट एक जो देता है वही सारे लोग देने लगते हैं ना. अच्छा ये तुम लोगों ने कहीं पढ़ा है शेली की वैसे ही भाई तुक्का दे रहे हो. पहले लिख दो तो मैं आंसर बताऊं और आप सभी लोग गलत हैं. ठीक है नहीं इनको लिख रही है इन्हें इतना नोटिस क्यों. तुमको इसलिए नोटिस करते ना. तुम जो है ना हरनाच कौर संधू के बाद पूरी दुनिया में तुम्हारा ही नाम है इसलिए सब तुमको नोटिस करते हैं. पर इस मेंटालिटी से निकलो यार. यहाँ कोई किसी को नोटिस करने के लिए खाली नहीं है. पीपल आर बिजी इन देयर ओन बिजनेस. ये भ्रम कम आउट ऑफ दैट लाला लैंड. पढ़ाई लिखाई करने आते हो यहाँ बकवास चैट ना किया करो सिर्फ पढ़ाई किया करो. ठीक है और आपको पता है ना कि मैं उस तरीके का टीचर नहीं हूँ जैसा आप कहते हैं. हाँ ये पढ़ लो ऐसा हो जाएगा. वो लाई चप्पू वाला मैं बात नहीं कर पाता. टू द पॉइंट बात करता हूँ. नंबर ऑफ सेलेक्शंस तो आप उन्हीं से पूछो जो सेलेक्ट हुए. और हाँ बात ये है कि बहुत ज़्यादा वो करता नहीं. मुझे जो लगते हैं सिंसियर जेन्युइन उनसे बात करता हूँ नहीं तो बात ही नहीं करता. यही सच है. उसको चाहे इट इज़ योर चॉइस कि आप उसको क्या मानते हैं. बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर आई लव माई स्मार्टीज आई लव माई स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कई प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं. आई ट्राई टू सॉल्व बाई गोइंग आउट ऑफ वे. कई बार तो अब वो सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है. दोज़ यू नो दे आर जो भी आप में से कई लोग हैं या अखिलेश है. अखिलेश मुझसे हो अखिलेश जो पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर आप देखो कोई अखिलेश सिंह होंगे तो अखिलेश मेरे एरिए के सबसे बड़े कॉलेज के ओनर हैं. मतलब अगर इनकम की बात करें उस शौक बस पढ़ रहे हैं. अगर आप उनको इनकम की बात करें तो उनके कॉलेज की इतनी इनकम है जितना कम से कम मुझे लगता है कि 50 टीचर्स की तनख्वाह नहीं होगी. मतलब उतना तो सेविंग होती होगी उनकी बड़े कॉलेज देन टू. मतलब उनका कहना कि सर एक होना चाहिए. और अखिलेश मुझसे बीए में पढ़े थे. जस्ट इमेजिन कि मैं बात कर रहा हूँ 2003-04 में. वो मुझसे बीए में मेरे कमरे पे 10-12 बच्चे आते थे कमरे पे. देन आई यूज टू स्टेट सलूरी एंड ये बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के सारे बच्चे 10-12 लोग बारी बारी से मेरे कमरे पर आते थे. मेरा भी स्वैग रहता था. ये लोग मेरे लिए खाना वाना भी बनाते. मैं पढ़ाता था बदले में 150 या 200 रुपये भी मिलते थे मुझे हर महीना हर बच्चे से. तो मेरा अभी काम चल जाता था. खर उस समय किराया होता था 500 रुपये कमरे का किराया सोच लो पहले. तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. ठीक है ठीक है मैं उसको देख लूंगा अगर ऐसा है तो. कुछ अगर कोई गलती बता रही है कोई दिक्कत नहीं देख लूंगा. ठीक है
आगे की बात करें, देखो संदीप कह रहे हैं ठीक है संदीप जी, भैया को थैंक यू बोल दीजिएगा। और यहाँ पर आपका आंसर जो है, मुझे लगता है कि वो किड्स है और किड्स का आंसर है। और ठीक है, अगर कोई रेक्टिफिकेशन होगा तो मैं दे दूंगा, हो गया होगा फ्लो में। ठीक है, आगे की बात करें, आईलेस इन गाजा। आईलेस इन गाजा इज अ नॉवेल बाय हक्सली, अल्डस हक्सली। ठीक है, आईलेस इन गाजा एट द मिल विद स्लेव्स विच वर्क आर बी टॉकिंग अबाउट, किस वर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर आपको बताना है। ठीक है, जिस वर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, वी हैव टू डिस्कस, आपको बताना है, वी आर टॉकिंग अबाउट विच वर्क। प्लीज, और मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, आई थिंक। यस, नो नॉट हियर, प्लीज। शैमसन एगोनिस्ट इज द राइट आंसर। और ये आईलेस इन गाजा नाम का नॉवेल है, 1926 में आया था इनका। और आगे की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ किट कैट क्लब। ये किट कैट क्लब एक ग्रुप था, विग राइटर्स का था, विग का था। तो ये जो था विग राइटर्स का एक ग्रुप था, जिसको आप कह सकते हैं। और इसमें कौन सा, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन ड्राइडन। वैसे अब आप समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा एक, वेयर इज दैट, नॉट हियर। ठीक है, मैं कुछ तलाश कर रहा हूँ, मुझे मिली नहीं, नहीं तो कोई बात बताने वाला था। और ठीक है, आपको बताना है, यू हैव टू टेल, कहाँ चला गया यार वो, नॉट हियर, नहीं दिख रहा है, जाने दीजिए, ये तो कुछ दिखाने वाला था। ड्राइडन इज नॉट इन द ग्रुप, अदरवाइज ये तीनों हैं किट कैट क्लब। किट कैट क्लब वो उसमें एक डिश थी, पाई था मीट का, उसका नाम था, तो वहाँ पर वो लोग खाया होया करते थे और आइडियाज को शेयर किया करते थे, दैट्स वाई। आगे की, हु डाइड बिफोर द एज ऑफ 18 बाई कंज्यूमिंग आर्सेनिक। इनमें से कौन आर्सेनिक खा करके 18 साल के मतलब पहले ही मर गया था, और जिसको, जो क्या कहते हैं, जिसको जॉन कीट्स ने अपनी एक पोएम डेडिकेट करी, इस पोएम का नाम था क्या, मतलब जॉन कीट्स ने इनको एक पोएम भी डेडिकेट करी थी, और इनको इतना क्रिटिसाइज कर दिया लोगों ने, हालांकि वो टैलेंटेड और मार्वेलस बॉय भी वर्ड्सवर्थ ने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने मार्वेलस बॉय भी कहा है इनको। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसकी बात मैं कर रहा हूँ, और इट इज थॉमस चैटर्टन, नो डाउट ही वॉज अ ग्रेट पोएट, हालांकि वो पूरी तरीके से वो बन नहीं पाए, इतना रिव्यू आए इनके खिलाफ कि इनके आलोचना के शिकार हो गए, और सेंसिटिव पोइट्स, आर्टिस्ट आर सेंसिटिव पीपल, जैसे जो जितना बड़ा आर्टिस्ट होगा, हो सकता है उतनी बड़े गलती को माफ़ कर दे, उसे छोटी बात कहीं ना कहीं हांट कर जाती है। वो छोटी बात क्या होता है ना, उन्हें बुरा लगता है, इतना छोटा कैसे कोई सोच सकता है, इसलिए वो ज़्यादा सोच लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही रहा इनके साथ, और ये काफ़ी सीरियस हो गए इनकी आलोचना की वजह से। और आगे की बात करें, हाउ मेनी स्टेंजास इज दे इन द 19th सेंचुरी इंग्लिश पोइट वर्ड्सवर्थ। ये हाउ मेनी स्टेंजास इन द 19th सेंचुरी इंग्लिश पोइट वर्ड्सवर्थ टू अ बटरफ्लाई पोएम कंप्राइज ऑफ। ये एक पोएम इन्होंने लिखा था, और ये सवाल अभी आपके कहीं डायरेक्ट एग्जाम से आया था, टू अ बटरफ्लाई नाम की पोएम लिखी है, कंप्राइज ऑफ। वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी जिसका नाम टू अ बटरफ्लाई है, उसमें कितने स्टेंजाज हैं, 2179 आपको बताना है। ठीक है, यू हैव टू टेल, 26 का कई लोग सी बता रहे हैं, कई लोग टू बता रहे हैं, सी तो मतलब सेवन है, और मतलब जो मन में आ रहा है वो बता रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, दरअसल ए है, टू स्टेंजाज में है,
तो ये पोएम टू बटरफ्लाई आप गूगल करेंगे और आप देखेंगे तो यू विल फाइंड की ऑल इज वेल। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो पाएंगे। और बाकी रेस्ट इज ओके। इन द थर्ड सेक्शन इन टी एस एलियट्स पोएम द वेस्टलैंड, व्हाट डज द वर्ड प्रोफिसस मीन? प्रोफिशियस का क्या मतलब है? अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पीपल। तो प्रोफिशियस अनफेवरेबल टाइम, फेवरेबल टाइम, जेलसी, नन ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शंस में कोई नहीं। ठीक है, ये जो प्रोफिशियस टाइम है, ये वेस्टलैंड, ये पहले में ही आ जाता है। दरअसल वेस्टलैंड एक क्लासिक पोइम है जो 5 भागों में बटा है, जिसको आप BGFDW करके आप निमोनाइज कर सकते हैं। और बरियल ऑफ डेड, गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेट, इस तरीके का जो है 5 सेक्शंस है। एंड अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, इट बिगिंस लाइक दिस, और लास्ट में दा 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 जो है, व्हाट द थंडर सेट। तो कभी कभी पूछता है व्हाट आर द 3 दास, या वो क्या कहता है, इस तरीके से भी सवाल आते हैं। और उसमें हिमालय का भी जिक्र आता है। तो प्रोपिशियस टाइम का मतलब क्या है? फेवरेबल टाइम, राइट, उचित समय, सही समय। What does T.S. Eliot insinuate as the cause of the utter degeneration and dissolution of modern life? Modern life में ये जो त्राहिमाम मचा है, dissolution of modern life और degeneration of modern life, उसका कारण क्या बताते हैं वेस्टलैंड में? Breaking down of sex relationship and perversion of sex, holding women in high esteem, ensuring equal employment opportunity for women, none of the options, ऊपर में से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है। प्लीज बी क्विक टू रिस्पॉन्ड। आप बताइए, your answer is what? Breakdown of sex relationships and perversion of sex, हठधर्मिता, मतलब उसका जो उच्छृंखलता है सेक्स की, एक कारण ये हो सकता है। People are busy doing all the frivolous activities, right? तो ये कारण हो सकता है। और ठीक है, आगे की बात करता हूं। और And I hope you will understand what I said. Please. Going to the next one. Yes, Eliot, yeah. This is the correct one. And मैं कुछ in the Victorian era scholar Charles Lamb's work Old China, इनकी एक Old China नाम का जो issue है, who does the author share and endure a rough patch of life before things start looking up for them both? ये जो है, who does the author share and endure a rough patch of life, जीवन के एक खराब पहलू के किसके साथ वो इंड्योर करता है, बिफोर थिंग्स स्टार्ट लुकिंग अप फॉर देम बोथ? ठीक है, ब्रिजेट द कजन, मिरांडा हिज नीस, फर्डिनांड हिज नेफ्यू, एम्मा हिज कजन, ऐसा कोई नाम तो आपने सुना नहीं। इजी क्वेश्चन है, दिस इज इजीएस्ट वन, और ये आप कह सकते हैं दिस इज इजीएस्ट वन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ब्रिजेट। कुल मिला के ये सब तो है ही नहीं, वो इसे ही दिख रहा है प्राइमा फेशी।
और एमा, द एपोनिमस क्षण एमा आ गया। एपोनिमस का मतलब सेम नाम वाला, जैसे लियर एपोनिमस, हैमलेट एपोनिमस, मैकबेथ एपोनिमस, हाँ किंग लियर, वो तो लियर तो पहले हुआ, ओथेलो, ठीक है। हीरोइन ऑफ नेमसेक नॉवल, सेम नॉम वाली नॉवल की हीरोइन जो जेन ऑस्टिन इज पोर्ट्रेड एज अ मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है जो शादी विवाह से नफरत करे, हेटर ऑफ मैरिज, हेटर ऑफ मैरिज, शादी से नफरत करने वाले व्यक्ति को, हालांकि कोई नफरत करता नहीं है अल्टीमेटली, वो फ्रांसिस बेकन को जो फॉलो कर लेगा तो क्लासिक आदमी बन जाएगा। मिसोगेमिस्ट बट एज समन हु विल कंसिडर मैरिज ओनली इफ सी फॉल्स, तो मैरिज को कंसिडर कर सकती है लेकिन कब, जब वेरी मच इन लव, फ्रॉम डाउन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स बाई द वे साइड, नन ऑफ द अबव, दीज वर द क्वेश्चन एक्चुअली आस्क्ड इन सम क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन थे और यहाँ पर आपका आंसर ये है, और बाकी ठीक है। आज का सवाल ले लेते हैं, आज का सवाल सोच रहा हूँ मैं कुछ देने के लिए, और मैं अच्छा सवाल दूंगा, टेंशन मत लो। आज का सवाल है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ये नेट के लिए जरूर है, कोरा, ये नेट के लिए काम आएगा, ये नेट के लिए काम आएगा, ये वाला सवाल, कोरा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एंड व्हाट इज कोरा, व्हेन यू विल गूगल यू विल फाइंड। तो दीज वर द क्वेश्चंस, और बाकी ठीक है, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।